राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि सुनियोजित तरीके से धर्मांतरण किया जा रहा है और ये हमारे मूल्यों और संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है। उपराष्ट्रपति ने जयपुर में आयोजित हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा मेला 2024 के उद्घाटन भाषण में कहा कि शुगर कोटेड फिलॉसफी बेची जा रखी है और समाज के कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है। कभी विष नहीं फैलाता, सनातन संचार करता है स्व शक्तियों का। एक और संकेत दिया गया और वो बहुत खतरनाक संकेत है। दोस्तों, हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का एक बयान निकलकर अभी हमारे पास में आया है, जिन्होंने धर्मांतरण के बारे में कुछ बातें कही है। जयपुर राजस्थान के अंदर एक कार्यक्रम था जहां पर इन्होंने ये भाषण दिया है और धर्मांतरण के ऊपर इन्होंने बहुत सख्ताई से कुछ बातें बोली है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा कोई और नहीं, परंतु न्यूज पर्पज के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप लोग जान सको, समझ सको, देख सको कि किस तरीके से क्या बातें हो रही हैं। देन पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कभी विष नहीं फैलाता, सनातन संचार करता है स्व शक्तियों का। एक और संकेत दिया गया और वो बहुत खतरनाक संकेत है। वो देश की राजनीति को भी बदलाव करने वाला है। नीतिगत तरीके से हो रहा है, संस्थागत तरीके से हो रहा है, सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हो रहा है और वह है धर्म परिवर्तन। अभी दोस्तों आप लोगों ने यह वीडियो देखा कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस प्रकार की बातें बोली हैं। इन्होंने अपने भाषण में ये बोला है कि हमारे देश में जो धर्मांतरण है वो किस तरीके से एक शुगर कोटेड तरीके के अंदर कार्य किया जा रहा है और लोगों को, जो छोटे तबके के लोग हैं, उनको बहला फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और हमारे देश के लिए एक बहुत ही भयानक यह मुद्दा हो चुका है। तो इन्होंने कहा है जो आप लोगों ने सुन लिया होगा, और साथ ही इनका यह भी कहना है कि हमारा जो धर्मांतरण है हमारी देश की राजनीति को बदलने के लिए सारे प्लान किए जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इन दिनों में आप हमारे देश के लिए ज़रूर प्रार्थनाएं करें, देश के अंदर जो हो रहा है उन बातों के लिए ज़रूर प्रार्थनाएं करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बाइबल जिसमें लिखी हुई एक एक बातें आज के समय में हमें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जो कि आप अगर सच में परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हो, उसके वचन को मानने वाले लोग हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत निकट हो चुका है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है। देन इसमें हमें प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि जो कुछ होना है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी भलाई को प्रकट करेगा। परमेश्वर हमारे लिए एक बड़े प्रतिफल को हमें देगा। तो ज़रूर जो चीज़ें हो रही हैं हमें ज़रूर उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते रहना है। बाकी आपका इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है हमें ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।